रेनो सर, मैं चलता हूँ। दास भाई, ये पार्सल डिलीवरी कर देना, इस पर एड्रेस लिखा है, ओके? पार्सल है? हाँ। कौन से फ्लोर का है? 12B। लाइट नहीं है, जनरेटर भी खराब है, कंप्लेन कर दी है, थोड़ी देर बाद जाकर मैं दे दूंगा। फोन करके पूछता हूँ, पार्सल है उनके लिए। ठीक है। सर, मैं होटल से पार्सल लेकर आया हूँ आपके लिए। अभी कहाँ हो? जी, यहीं नीचे खड़ा हूँ। तो ऊपर आ जाओ। लाइट नहीं है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आपका पार्सल सिक्योरिटी वाले के पास छोड़ देता हूँ, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर तक आओ। वो मान गए क्या? जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। तो ये सब डिस्कस करने के लिए मैं कोई लॉयर हूँ क्या? जस्ट हेल्प विद दिस। क्या है? फूड। डोर डिलीवरी का मतलब घर पे लाके देना होता है, समझे? सर, लाइट नहीं थी तो मैं क्या करूँ? हर वक्त अपनी परेशानी बताते। छोड़ो जो, पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे आगे काम करना है। पार्क कर देती हूँ। ये लीजिए की। थैंक यू। वेलकम सर। क्या हुआ भाई? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। पापा को क्या हुआ? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। भैया भैया, उस तरफ से भैया। उस तरफ क्यों? रुको माँ, भैया आप जल्दी चलाओ, तेज चलाओ ना प्लीज। बस यहीं पे रुकना। क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ ना। इसमें 5,000 है, कितनी भी देर हो जाए मुझे फोन करना। ठीक है, संभल कर। हाँ। आ जा। चलो भैया। कैशुअल्टी कहाँ है? वो उधर है। सुनो, क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक आया है। चलो तुम ही जाओ, मुझसे देखा नहीं जाएगा दीदी। चलो। क्या हुआ? चलो बोलो ना, क्या हुआ? चलो मैं बताती हूँ। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले एक आदमी फूड डिलीवरी करने आया था ना। हाँ। वो मेरे पापा हैं,
तो मैं क्या करूँ? वो अभी हॉस्पिटल में है, तुम लोगों ने 12 माले पर चढ़वाया उन्हें, उसका हिसाब कौन करेगा? एक काम करो, जाके केस कर दो। तुम लोगों ने जो खाना खाया उसकी कीमत भी नहीं दी मेरे पापा को तुमने। क्या समस्या है? दीदी चलो यहाँ से। तुम रुको, तुम इंसान हो भी या नहीं? हमारी बात सुनने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? मुझे मेरी गलती समझाने आई क्या? ए, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी मत करो, जाओ यहाँ से। मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तुम किससे बात कर रही हो ये जानती हो तुम? आप कोई भी हो उससे हमें क्या। देखिए आपको हक जताना है तो जाकर अपने घर में जताइए। दीदी चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। डॉक्टर ने हमें 24 घंटे का वक्त दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर ना आए प्रार्थना करो। रोको रोको, हाँ साइलेंट लगाओ, इधर ही रोको, गाड़ी के पेपर दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? सर हमारे पापा कैजुअल्टी में हैं। मुख्यमंत्री जी अंदर हैं, अभी आप नहीं जा सकते, जाइए यहाँ से। हाँ माँ, हम लोग बाहर ही हैं। चलो साइड साइड साइड, हटो हटो, चलो जाने दो, हटो, साइड 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 साइड, हटो हटो, जल्दी जल्दी करो। कहाँ जा रहे हो? सर सर सर, उसका पर्स, उसका पर्स अभी अंदर नहीं जाना, मना किया ना? नहीं सर। चलो भागो यहाँ से। हम साधारण लोग हैं सनल, पैसा पद स्वाभिमान ये सब रखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तुमने खुद देखा ना, जब सीएम इधर आए थे तो मोस्ट सीनियर डॉक्टर उन्हें देखने चले गए थे, बाकियों को देखने वाला कोई नहीं है। हमें कोई भी मारेगा पीटेगा पर हमें कोई नहीं पूछने वाला। तुमने अपनी कॉलेज मैगजीन में लिखा था ना, उस मैटर का क्या हुआ बोलो? किसी ने भी कुछ किया क्या? तुम्हें ही सहना पड़ा ना, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? तुम ना फेसबुक पर एक पोस्ट करो मुख्यमंत्री के खिलाफ। अरे डरते क्यों हो? उन्हें पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते सनल। नहीं नहीं, अपने आईडी से नहीं, एक फेक आईडी बनाओ और एक बहुत ही मुश्किल सा पासवर्ड रखो। प्रॉब्लम हुई तो? प्रॉब्लम ना हो इसने यहाँ मोबाइल नंबर देने के लिए मना किया। ये जगह सेफ है, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता। शुरू करो। पासवर्ड? इतना लंबा पासवर्ड तुमको याद भी रहेगा? वो मैं देख लूंगी। अब तुम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज टाइप करो सीएम के खिलाफ। रमिया! कोई बात नहीं, तुम टाइप करो, मैं उसे मिलकर आती हूँ। हमारे खिलाफ पोस्टर छपी है। मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें। कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले हैं क्या? दिखाओ तो क्या लिखा है, इस तरफ घुमाओ। क्या बात है, बड़ा सही लिखा है। देखिए मत, सिर्फ एक ही है। अभी खाना नहीं चाहिए, इससे मेरा पेट भर जाएगा। सिस्टर मैं कल घर जा सकता हूँ ना? हाँ कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, अभी डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे।
कैसे हैं पापा? दवाई लेने में परेशान करते हैं, ये लीजिए। मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, मिलेगा क्या? तुम्हारा पोस्ट वायरल हो गया है, 1.5 लाख व्यूज और 3200 लोगों ने शेयर किया है। ऐसा क्या? और योद्धा को बहुत सारी लड़कियां भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हैं, पता है? मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूँ। तुम्हें नहीं करना चाहिए। ओह, अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गए हो। लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कोई? क्या प्रॉब्लम, सब तो सपोर्ट कर रहे हैं। तुम देख लेना कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तुम तो कमाल कर दोगे 100%। बेटी पहले खाना खा ले, उसके बाद बात कर लेना। हाँ, मैं ना बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। चलो बाय। ऐसे अचानक बुलाई गई मीटिंग से सब थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया ना? हाँ सर, 2 दिन हो गया सर। एक दिन और आराम कर लो, फिर ज्वाइन करना। ज्यादा स्ट्रेन मत फील करो। ओके सर। खुद को संभालो। ये फेसबुक पोस्ट है, आप लोगों ने देखी क्या? ये यथार्थ योद्धा, ये कोलैटरल में हुई लाठीचार्ज के जैसा नहीं है, आदिवासी सम्मेलन के जैसा भी नहीं है। तो फिलहाल हम सबको इसे पकड़ना चाहिए। नहीं सर, ये तो अनॉनिमस पोस्ट है, नाम भी नहीं बताया, इस पर हम कैसे विश्वास करेंगे? ये पोस्ट करने वाला भी कोई शख्स ही होगा ना, उसने जो लिखा है वो सीरीन आपने पढ़ा? मुख्यमंत्री इलाज के लिए आए, आम इंसान बाहर खड़ा रहा और उन्हें पुलिस ने मारा भी, ये बात इसमें साफ साफ बताई गई है। इसमें क्या विश्वास नहीं करना है ये अब आप ही बता दीजिए। फेक आईडी है तो भी जो लिखा है हमें मानना ही चाहिए। नाई का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो और क्या होगा, यही सब होगा ना आगे आगे। मुख्यमंत्री के नाम से कुछ लोग यहाँ नफरत जरूर करते हैं, मुझे पता है, तो मेरे ख्याल से अभी उन्हें कुछ करना चाहिए। खुद का नाम बाहर बताने की हिम्मत ना करने वालों को सीएम के बारे में जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ जो भी हो रहा है, सीएम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे तो हमें सर हिलाकर चुपचाप नहीं बैठना है, जनता ने हमें वोट देकर यहाँ बैठाया है। इस बात को छोड़ना नहीं चाहिए, सामान्य आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी मन की बातों के साथ हमें उनका साथ देना चाहिए। पब्लिक से इस बारे में राय लेनी चाहिए, आवाज उठाएंगे, हड़ताल करेंगे। ए, हड़ताल करना जरूरी है क्या? पहले ही बहुत हो चुका है। तो फिर हम किस लिए हड़ताल करेंगे? हमें हमेशा लोगों का साथ देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। लोगों का भला करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जीत पाएंगे। जो मैंने कहा ठीक वैसा ही होगा। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस राज्य से मुख्यमंत्री को हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ, अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जब तक से हम इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। धिक्कार है, 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 धिक्कार है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस राज्य से मुख्यमंत्री को हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ, अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जब तक से हम इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। धिक्कार है, 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 धिक्कार है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस राज्य से मुख्यमंत्री को हटाओ, अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलाफ विपक्ष पार्टी के द्वारा किया गया आंदोलन, सीएम की गाड़ी को रोकने की कोशिश करने वालों की और पुलिस का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने वालों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा। जहाँ से पोस्ट किया था वो लोकेट हो गया है सर, यूनिवर्सिटी के अपोजिट आदर्श कॉम्प्लेक्स है सर, वहीं से किया गया है सर। बता दें, पक्की इन्फॉर्मेशन है सर, पूरी तरह से एक्शन में है, शहर में लाठीचार्ज चल रही है और लोगों को पूरी तरह से पीटा जा रहा है। सीएम
शहर में नहीं है, इसीलिए सुबह डीआईजी को बुलाया ताकि शहर में कोई गड़बड़ ना हो। स्थिति को संभालना होगा। ओके सर, वी आर मूविंग वेरी फास्ट। यू विल वेट हर सर्च। बहुत टफ कंपटीशन है यार। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, किसी भी तरह फर्स्ट आना है। सही कहा, यहाँ तो सब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। हम लोग इसे कोई साधारण घटना छोड़कर समझने वाले बिल्कुल नहीं है। ये विवाद साधारण लोगों की आत्मरक्षा के लिए ही है। आप लोग ही बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहना शोभा देता है क्या? और ये देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ठीक वैसी ही पोस्ट सामने आई है, इसका जवाब कौन देगा? हमें जवाब चाहिए। अपना नाम ही नहीं दिया उसने उस पोस्ट में, तो फिर इसके ऊपर चर्चा क्यों करें? किसकी हिम्मत है जो साथ में अपना नाम यहाँ दे? इतना तो समझिए, कोई नाम दे के फंसना जाएगा, उसको पता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या बेटा, टीवी में घुस जाएगा क्या? सीएम को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, असली मर्द है वो, मिलना पड़ेगा उससे, हाथ मिलाने का। सीधे बैठते भी नहीं है, मैं नहीं करती मालिश। अगर सीएम साहब गलती करेंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज उठानी जरूरी है। क्या हुआ, सोए नहीं अब तक? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, सारे चैनल्स ऑनलाइन मीडिया में सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। प्रॉब्लम हो गई तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दो दिन में सब शांत हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। ओके, शांति से सो जाओ। सनल, चाय पी ले। बेटा, अरे अपनी माँ से बोलो थोड़ी शक्कर डाल दे। अरे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज थोड़े ही है। हाँ, थोड़े दिन में वो भी हो जाएगी, जो दिया है वो पियो। माँ, मेरा खाना रखा है? हाँ रख दिया है, जा जाकर कॉफी पी ले। आज तेरा कॉलेज नहीं है? नहीं है। हाँ, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर आगे चलकर ढंग का जॉब कैसे मिलेगा? हाँ, अपने बाप की तरह मत बन जाना। क्या है, क्या है बताओ ना, तुमने ये सब लिखने के लिए क्यों सोचा बेटा? आपने ही तो कहा था ना इसको लिखने वाले से मुझे मिलना है। अरे वो, अरे तुमने लिखा है, मैं नहीं जानता था, मैं तो कोई और सोच रहा था। राजप्पा, अशोक बदल गया है, तुम्हें बुलाया है, जल्दी जाओ। अरे मुझे एक काम मिला है। क्या काम मिला है? अभी तू यहाँ से जा, कुछ सीरियस बात चल रही है। ठीक है ठीक है, अब क्या होगा? बहन आ रही है। पापा मैं जा रही हूँ, बस से आ जाऊंगी। देख, मम्मी को मत बताना। ठीक है। बताया तो जानता है ना तू, बिल्कुल बचने के चांसेस नहीं है तेरे, इस बात को यहीं दबा दे। सुनिए, जरा यहाँ आइए जल्दी। हाँ आता हूँ आता हूँ, मेरी बात समझ गया ना? मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है पापा। है तो एमएलए से मिलना है, काम क्या है? अरे वो उनसे मिलकर बात करनी थी मुझे। क्यों मिलना चाहते हो? एक समस्या थी, वही बतानी है। समस्या है इसलिए बेटे को साथ में लेकर आए हो? ठीक है, समझ गया। चलो मेरे साथ। मैं तो सर काउंसलर मोहन बोल रहा हूँ, एमएलए सर हैं क्या? पहले आप दोनों वहां पर जाओ। ठीक है सर। कोई समस्या हो तो मैथू सर से फोन पे बात कर लेना। अगर काम हो जाए तो उससे जो पैसा मिले उसमें कुछ परसेंट हमारा ध्यान रखना। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाओ। बैठो जी। हाँ बैठो। क्या बात है? चिंता मत करो, बताओ इन्हें। मैं राजप्पा हूँ, अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी सर।
इसने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरा बेटा है, इकलौता बेटा। एक बड़ी समस्या आ गई है, आपकी मदद चाहिए थी। काम बताओ। सर, मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल साइट पे एक पोस्ट वायरल हो गया है ना सर। उसे पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, पुलिस पकड़ कर क्या करेगी सर? क्या करेगी, उसे अंदर कर देगी। अरे उसने ऐसा क्यों लिखा है? आप जिस काम से हैं वो बात करिए। वो पोस्ट इसने ही की है सर। मैथ्यू सर, एक मिनट बाहर जाओ। आप लोग भी चलिए। तुम मुझे अंदर करवाने के लिए से लाए हो? मैं नहीं जानता था सर, इस आदमी को ऐसी समस्या होगी, मुझे नहीं पता था सर। मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैंने तुझसे कितनी बार पूछा काम क्या है, काम क्या है। सर, इससे गलती हो गई, मदद कर दीजिए ना। मुझे अभी एक काम करना चाहिए, तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सर, सर आप बचा सकते हैं। एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख कर जाओ। एप्लीकेशन इस काम के लिए? अरे ये लोग यहाँ हैं, ये लोगों ने देखा है। कल मेरे ऊपर इंक्वायरी आएगी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। रही पानी की बात कि पानी नहीं आ रहा है, ये एप्लीकेशन में लिख कर जाओ। हटो। सर, हेल्प करने के बजाय आप मुझसे क्या लिखवा रहे हैं? तो मैं क्या करूं? सर, डील मैं करता हूँ, आप जाइए। सर क्या बोल रहे हो? और सुनो, तुम लोगों ने मुझसे जो बात की, मैंने वो कोई बात नहीं सुनी। समस्या तो है और इसका हल क्या हो सकता है? फिलहाल हम आखिर क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखा है तुमने, इसमें लिखा है कि उनकी जान को खतरा है या फिर उनको खतरा हो सकता है, इसका यही मतलब निकलेगा? सर, मैंने इतना सोच के नहीं लिखा था, बस ऐसे ही लिख दिया। यू विल बी चार्ज विद द अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस दैट मे बी डन बाय एनी अदर पर्सन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट। मैंने अभी जो कहा वो बात आपको समझ में आई? ये केस स्ट्रांग है, अगर उनके हाथ लग गया तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करें सर अभी? एक रास्ता है। जाने वाली गाड़ी अभी जाने के लिए तैयार है, जितने भी यात्रीगण हैं अपना टिकट लेकर के बस में आ जाएं। एक महसूस, ठीक है, ये लो टिकट। और देखो, तुम बस में किसी से बातचीत मत करना, एकदम चुप रहना। मैं वहां पर 4-5 साल रहा हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो लोग, ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? जाओ, बस जाने वाली है, जाओ। ठीक है पापा। पापा आप जाओ, बाय। अपना ख्याल रखना पापा। तुमने मुझसे जो भी बात की, मैंने वो कोई बात नहीं सुनी। बताने की जरूरत नहीं है, ये केस बहुत स्ट्रांग है। देखो बेटा, किसी से कोई बात मत करना। हेलो, मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री,
पकड़ो उसे, पकड़ो, भागे ना पाए, जल्दी जल्दी। हाँ मैं देख लूंगा सर, हाँ सर इसे ले जाता हूँ सर, ओके, हाँ हाँ पकड़ लिया है सर, ओके ओके ठीक है सर। इस लड़के को छोड़ दो, डीजीपी का ऑर्डर है सर। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कल सुबह मुख्यमंत्री जी से मिलना है, समझ गए? समझ गए ना सर? आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए लेकिन मुख्यमंत्री से मत मिलवाइए प्लीज। ये तुम्हें लिखने से पहले सोचना चाहिए था, ये सीएम साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है, वो जैसा कहेंगे वैसा कर देना। टेक हिम, चलो सर। सर सर आगे का रास्ता ब्लॉक है, उसे खाली करवाइए। ओवर। अभी अभी डीजीपी की गाड़ी बस स्टॉप की तरफ जा रही है, सारा रास्ता खाली करवाइए। ओवर। पुलिस की भारी बंदोबस्त की जरूरत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओवर। पुलिस वालों ने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने पोस्ट किया था। ओवर। मुझे उसके घर ले जाया जा रहा है। ओवर। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, सब अलर्ट रहे। ओवर। अगर मुझे हार्ट अटैक नहीं आता तो यह सब होता ही नहीं। कम से कम हमें यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। सुनो, तुम यहां कर बैठो। आइए सर। सर इन्हें अंदर बुलाया। चलो आओ। यहाँ की सारी सिक्योरिटी सही है, सब लोग आ गए हैं, सब लोग अपने अपने। चलो वहां पर बैठो। ओवर। चलो आ जाओ। आप नहीं, सिर्फ ये जाओ। आप भी चलो, सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। चलो आ जाओ। हेलो, वहां बैठो। आ जाओ। यहां बैठो, बैठ जाओ।
वो पोस्ट तूने की थी क्या? यहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है, यहां पर सभी गुलाम हैं। हमारे जैसे साधारण आदमी को अगर कोई सुविधा नहीं मिली तो ये सरकार किस काम की? जनता की भलाई के लिए और उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री है क्या? तुम ऐसा ही सोचते हो ना? इस केरला में भी एक मुख्यमंत्री है, कड़क्कल चंद्रन उनका नाम है, और यहां तुम्हारे सामने बैठा है मुख्यमंत्री। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में पोस्ट किया। उस लड़के को लेकर आओ। सर आओ, चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग, सब आ गए? बैठिए। जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी आओ। ये सनल है, इसने ही फेसबुक पर मेरे खिलाफ पोस्ट किया। सर जवाब क्या करेंगे सर? प्लीज सर। पोस्ट डिलीट नहीं किया और मैंने पढ़ भी लिया। ये राजप्पा है, सनल के पिता। राजप्पा जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां सनल को बहुत तकलीफ हुई, और उसी वजह से इसने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट किया। अभी नहीं, किसी तरह की तकलीफ है बताइए? नहीं है सर। हाँ, सब समझ गए ना? उस दिन हॉस्पिटल में मेरा भी इलाज हो रहा था जिस वजह से यह हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा, यह कहकर उसका पालन ना करूं तो यह झूठा वादा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना हमेशा होती है वीआईपीज के कारण, क्योंकि वीआईपी लोग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मैं हूं, हॉस्पिटल हो या पब्लिक प्लेस या हमारे राज्य का कोई भी जगह हो, वहां हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और रही उस दिन की बात, तो हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, मेरे कारण जो इन्हें तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सब लोग चाय पीकर जाइएगा। सही समय पर उस आदमी ने अपना काम कर दिया, बुद्धिमान है। अब तो ये सब खत्म हो गया है, कोई और मुद्दा उठाओ। देखो, अगर अभी पीछे हटे तो हम कमजोर कहलाएंगे। सर फोन कौन है? सीएम साहब। हर चीज पर अपनी नजर रखता हूँ। न्यू इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। हमारे राज्य में अभी जो पार्टी है, मैं उसी को वोट दूंगा। सीएम ने मुझ जैसे ऑर्डिनरी इंसान से मुलाकात की, हमें ऐसा ही सीएम चाहिए। हमारे राज्य के लिए यही सबसे बेस्ट सीएम है। आपकी पोस्ट से लड़का तो पूरे फॉर्म में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो कुछ भी लिखा वो मैंने सोच समझ के नहीं लिखा था। तुमने नाश्ता किया? जल्दबाजी में लिखा था, इसलिए अब मैं सभी लोग बाहर से दोस्त आए हैं, माफी मांगता हूँ। वो नहीं, लोगों के साथ करूंगा। तुम सिर्फ पानी क्यों पी रहे हो?
दो दिन हो गए पेशाब सही से नहीं हो रहा है। डॉक्टर से नहीं मिले? अरे पानी सही से पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माफ करने के बाद समस्या यहीं खत्म हो जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? यह समस्या खत्म नहीं हुई बल्कि एक शुरुआत है। बात क्या है? ओपोजिशन पार्टी ने हड़ताल अनाउंस किया है, उन लोगों का वही प्लान है। मैंने एक मीटिंग अरेंज की है, इस हड़ताल को रोकना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो आदमी अपने चालाक दिमाग से चाल चलेगा, वो करने और उसे जीतने के लिए। दोनों ही हो सकता है, सब तुम्हारे हाथ में है। गलतियों पर खिलाफ जाना, आंदोलन करना, हम समाधान की बातें भी तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे एक दिन तक लोगों को घर में बंदी बनाकर रखना यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सामान्य तौर पर सही बातें सुनने के लिए अपोजिशन वाले भी यहाँ है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मेहरबानी करके आप लोग हड़ताल करना छोड़ दीजिए। सीएम की बातें मानकर हमें हड़ताल का विचार त्याग देना चाहिए, यही मेरा मानना है। नहीं मतलब हम दूसरे मुद्दे पे हड़ताल कर सकते हैं। हमने पहले ही फैसला कर लिया कि हम हड़ताल करेंगे। एक माफी मांगकर ये मीटिंग रखकर सीएम बहुत नीचे गिर गए, अब सीएम बच नहीं सकते। उसके बाद सबके सामने माफी मांगकर लोगों को बेवकूफ बनाकर सीएम नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। सीएम नाटक कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो क्या सीएम मानेंगे? एक छोटे लड़के को बेवकूफ बनाकर नाटक करने की मुझे क्या जरूरत है सुधा? ये एक छोटा सा मसला था, अब इसका पूरी तरह से समाधान हो गया, फिर क्यों ये सब? बॉबी सर, इसका समाधान निकल गया, क्या ये पक्का है? तो क्या हम इसे मान लें? सीएम ने गुनाह किया है, ये आरोप पूरी तरह साबित हो चुका है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहने दो, लेकिन इसके नाम पे हड़ताल करने की आपको क्या जरूरत है बताइए? अरे जरूरत की बात नहीं है, लोगों को बांध कर रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसको हम माफ नहीं कर सकते। देखिए सिर्फ वही लड़का जो है इन सब वजहों के पीछे कारण नहीं है, समझ गए ना? हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? ए विष्णु अंदर आ जाओ। देखिए क्या किया है, पिछले दिनों सेक्रेटरीट के सामने लाठी चार्ज हुआ था, उसके कारण यही है। अब हमें हड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए सबक देना जरूरी है ना। इस साल अब तक दो बार सरकारी हड़ताल हुई, अलग अलग मुद्दों पर हड़ताल, आप लोगों की वजह से। हड़ताल को आप लाइटली मत लीजिए, कोर्ट ने लोगों को सपोर्ट किया है। हाँ इसीलिए हम सब शांति से हड़ताल करेंगे। केरला के पृष्ठभूमि में ऐसा संभव नहीं है, शांति से हड़ताल कैसे होगी जरा बताएंगे? मुझे लगता है हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? वो हमें तो करना ही पड़ेगा। और सर आप? हम एक दूसरे के साथ हैं, फैसला एक ही है। जो राज्य को चलाने वाली सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाना, शांति भंग करना, इसी बात की चिंता विपक्ष करती है। लोगों के मन में अपने लिए विश्वास जगाना और सरकार के लिए विश्वास कम करवाना ये विपक्ष का काम नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए अच्छा सोचेगी तो विपक्ष के लिए अच्छा होगा। सही कहा, अभी अपोजिशन वालों को सीएम ने माफ कर दिया है तो फिर आप लोग आवाज क्यों उठा रहे हो? आप लोग हड़ताल बंद कीजिए, इससे सबसे कोई फायदा नहीं है। जरा शांत बैठो, बैठ जाओ। सर इस मीटिंग में हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती की है, हम आपकी बात को स्वीकार करके यहाँ आए हैं, आपका भाषण सुनने या फिर आपकी एडवाइस लेने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आए। आप इस कुर्सी पर 2 साल 9 महीने तक बैठे हुए हैं, ये हम दोनों के बीच एक हनीमून पीरियड जैसा है, और अब ये हनीमून खत्म हो गया है। आप बात को समझिए, हमने आज तक आपको पूरा सपोर्ट दिया पर अब नहीं मिलेगा। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे जरा कस के पकड़ के रखिएगा। चलो किससे मिलना है? सीएम सर से। स्कैनर से अंदर जाओ। किससे मिलना है? सीएम सर से। वहां जाकर बैठो।
एक्सक्यूज मी मिनिस्टर आए हैं, कुछ लोचा चल रहा है वहां पर। हम बाद में आते हैं, सीएम साहब का मूड अभी ठीक नहीं है। ठीक है, वो बिजी हैं, हमें चलना चाहिए। हाँ, क्या है? सर वो सर हम अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। सर शैल वी, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तुम लोग भी आओ। सर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं रम्या, यूनियन चेयरपर्सन। हमारे कॉलेज की 153rd एनिवर्सरी है, पिछले हफ्ते ही कॉलेज के प्रिंसिपल आपसे मिलने आए थे। मैं आपके ही कॉलेज का एक्स स्टूडेंट हूँ, जाइए। तुम यहाँ कैसे? इनके साथ आया हूँ। ये अकेली नहीं आ सकती? हिम्मत बढ़ाने के लिए। हिम्मत? इस हड़ताल के जिम्मेदार तुम ही हो। आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है ये तुम नहीं जानते। तुम तो सिर्फ पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन हमें तो इस समस्या का सामना करने में बहुत तकलीफ हो रही है। एक काम करो, तुम दोनों जाकर मेरे ऑफिस में बैठो। मेरा नाम सनल है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं एक आम सा लड़का हूँ। मेरे पिताजी एक होटल में वेटर हैं और दीदी पार्किंग में काम करती हैं। उन दोनों की कमाई से ही हमारा घर चलता है। अगर वो दोनों काम पर ना जाएं तो हमारे घर में रोटी ना बने। आप लोग कभी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ हड़ताल नहीं करेंगे, मुझे इस बात का वादा दीजिए। अब हम सबकी समझ में सब कुछ आ चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हड़ताल बंद करें ताकि हम सबकी जिंदगी वापस से सामान्य रूप से चल सके। क्या आप सीएम की मदद करेंगे? हड़ताल को बंद कीजिए। दीदी आज हड़ताल है, अपनी बेटी को स्कूल मत भेजो। कहाँ जा रहा है बे तू? हट, चल निकल, चल निकलो बाहर, चलो बाहर, सुनाई नहीं दे रहा। चलो निकालो सबको। ये पत्थर तो 100 ग्राम का लग रहा है। अरे भाई, कम से कम आधा किलो का पत्थर होना चाहिए, तभी ये ग्लास टूटेगा। ये पहले के जैसा नहीं है, आजकल के ग्लास बहुत मजबूत होते हैं। एमएलए साहब, आजकल इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हड़ताल लोगों के लिए की गई है, ये सब करने के लिए हमें बेशर्म होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को वोट देने वाले भी इसी बस में बैठते हैं, ये मत भूलिएगा। पावर के लिए लड़ना है तो पावर हमारे लिए धर्म है, ये नहीं भूलना चाहिए। और अब कुछ नेताओं को थोड़े दिनों के लिए अंदर जाना होगा और इन्हें 10-15 हजार जुर्माना भी देना पड़ेगा, वो इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अरेस्ट करो। इस हड़ताल को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए सीएम सर क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ये चीप हीरोइज्म है ना सर? मैं ये सब हमारी आम जनता के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल चीप नहीं लगता, और आप लोगों को भी ये नहीं लगना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि ये सब करने से कोई फायदा होगा? इसमें कोई फायदा नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। चैलेंजिंग द चीफ मिनिस्टर, इस हड़ताल को तोड़ने के लिए मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना ही होगा। ये वीडियो हमारे हर कदम पर हमारा साथ देगा। इस हड़ताल के विरुद्ध केरला में हर पावर को अधिकार मिलना चाहिए।
राज्य में विपक्ष पार्टी के द्वारा 12 घंटे का हड़ताल वापस ले लिया गया है। सभी जगह पर दुकानें खुलने और गाड़ी का आना जाना शुरू हो चुका है, ऐसा उनका आदेश है। हाय मामू। अरे वाह, मेरा प्यारा भांजा कब आया? मैंने इसे कहा था कि मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन नहीं मानी, कहती है मैं खुद ही सरप्राइज दूंगी। चलो अब मामा को एक पप्पी दो। अचानक हमने फैसला कर लिया भाई से मिलने का। सतीश कहाँ है? सतीश हमें ड्रॉप करके चले गए, वो कल आएंगे। तुमने खाना खाया? नहीं खाया, मैंने आपके लिए बनाया है, आपकी सारी पसंद की चीजें बनाई है। सतीश को कनाडा में एक काम मिला है, अगले महीने जाने का प्लान है। मुझे भी वहां एक प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन तुम? मैंने आपको पहले बताया था लेकिन आप भूल गए। 28 तारीख को पिताजी का श्राद्ध का दिन है, उसी दिन हम यहाँ से निकलेंगे। तुम्हें यहाँ एक दो दिन रुक कर जाना चाहिए था। नहीं भैया, हम लोग कल ही निकल जाएंगे, वहाँ पर कुछ और भी काम है, सतीश का साथ देना जरूरी है। ए, रुको रुको, उस लड़के को यहाँ बुलाओ, उस सनल को। ओके सर। सनल कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ सर। और कोई काम तो नहीं है ना? नहीं सर। गाड़ी में बैठो। अरे बैठो। आ जाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? चना, चना है सर। दिखाओ। सर आप ये खाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं खा सकता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ? जब मेरी उम्र 10 साल की थी तब से खा रहा हूं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना? तुमने अपने पोस्ट में जो बातें की थी। मेरे पोस्ट में? हाँ बिल्कुल, अभी के अभी मुख्यमंत्री को पद से हटाना है, केरला में एमएलए या एमपी को पद से हटाना, क्या ये तुमसे हो पाएगा बताओ? नहीं सर। तो इसके लिए लोगों को ताकत मिलनी चाहिए, यही तो है तुम्हारे पोस्ट में। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मुझसे सर? नहीं करोगे? करूंगा। तुम मेरे लिए एक सर्वे करवा कर दो, केरला के सभी एमएलए या फिर एमपीज, उन लोगों के कामों से, उनके एरिया के वोटर्स उनसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ठीक है। यहाँ के हर एक जिले के विद्यार्थियों की मदद से तुम ये कर सकते हो, इसके लिए अपने साथियों को भी रख सकते हो, लेकिन ये काम तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये हम दोनों के अलावा कोई ना जाने। ठीक है सर। ओके ओके। बहुत बार बहुत लोगों ने ये बात पार्लियामेंट में उठाई लेकिन ये पास नहीं हुआ। अगर ये पास हुआ तो ये हमारे खिलाफ है, ये राजनीति वाले जानते हैं, यही वजह है कि इसे पास नहीं किया। यू रीड दिस, सम ऑफ द वेरी गुड राइटिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। ये सारे थॉट सनल के दिमाग में ही आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टाइम खत्म हो जाए उससे पहले ये करना चाहता है। अचानक इसमें इंटरेस्ट कैसे आया बेटा? मैं तो ऐसे ही लिख रहा था, लिखते वक्त मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये इतना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा। तुमने अच्छा लिखा, इट इज अ वेरी लाइव टॉपिक यू नो, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। थैंक यू सर। लेकिन ये चिंता सोनल से पहले केरला में दूसरे इंसान के दिमाग में भी आया था। वो कौन दादाजी? 1987 में एक कॉलेज के मैगजीन में। तुम इस इंसान को जानते हो? माय गॉड, ये
ये बहुत मशहूर हुए। चंद्रा और बॉबी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। वो बॉबी आज के दिन पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन उस समय ये दोनों माने हुए गुंडे थे। बट दे आर वर्चुअली विजुअली ब्रिलियंट। और ये चंद्रा, ही वॉज अ वेरोसियस लीडर। एक बार हुए कॉलेज के लफड़े में, पॉलिटिकल संघ और पॉलिटिकल यूनियन के झगड़े में, चंद्रा के सर पर चोट लग गई। 3 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था, लेकिन आउट ऑफ डेंजर। और आज वो केरला का मुख्यमंत्री है। सर, ये आए। आप जाकर पद्मा राव से मिल लीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। सर, आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तो बजने दीजिए, तब देखेंगे। मॉर्निंग सर। सर, एक अर्जेंट मैटर है। सर, ये गवर्नमेंट के खिलाफ करने वाला काम है, इसीलिए आपसे मिलकर फैसला लेना चाहते हैं। आप प्रोसीड कीजिए। आर यू श्योर? एलेक्स को क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? मेरे 3 सस्पेंशन हो गए, ये आप जानते हैं। सर, हीरोपंती दिखाना और विजिलेंस डायरेक्टर बनना, ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है सर। डर लग रहा है मुझे कुछ भी करने में। कौन क्या है ये ना जाने हुए। कौन है क्या है ये जानकर एक्शन लेना है, ऐसा आपके रूल बुक में लिखा है क्या? आपकी नौकरी और कितने सालों तक बची है? 2 साल 8 महीना सर। मैं कितने समय तक यहां रहूंगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारी सर्विस खत्म नहीं होगी तुम सर्विस में ही रहोगे। अब जाओ। थैंक यू सर। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मेरा आदमी है, जैसा कहता है वैसा करो। कुछ नहीं भाई, 2 साल में काम हो जाएगा, मैक्सिमम 2 साल, सब सही हो जाएगा। हेलो। हाँ मिस्टर साहब, मीटिंग में हैं, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ओके। आखिर सर से मिलने का मौका मिल ही गया, पिछले 8 महीने से बहुत बार ऑफिस आया गया हूँ मैं। सुनो, हमारे राज्य का यही हाल है और ऐसे ही चलता रहेगा, समझ गए? बोधन वहां है क्या? हाँ सर, वही है। फिर से उसे माफ मत करना, समझे? समझ गए ना? ये क्या है? ऐसे रख लीजिए सर। ये सब क्या है? अरेस्ट कर रहे हैं सर, साथ दीजिए प्लीज। सुनो, कल इस एरिया के एसडीओ बोर्ड और कॉरपोरेशन में लोगों की जरूरत है, तुम्हें वहां पोस्ट चाहिए तो बोलो। चाहिए क्या बोलो ना। सीएम को फोन मत कीजिए सर, वो जानते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर एमजी कुरियन अरेस्ट हो गए हैं। आज उन्हें गवर्नमेंट गेस्ट हाउस से विजिलेंस वालों ने अरेस्ट किया है। उनके मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा ऐसा अनुमान है, लेकिन उनके एमएलए का पद रहेगा या जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। रिश्वत लेते वक्त मंत्री कुरियन और साइन करते हुए उनका पर्सनल सेक्रेटरी मनोज रविंद्र को भी अरेस्ट कर लिया गया है। विजिलेंस डायरेक्टर एलेक्स थॉमस खुद सामने से उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। कुरियन का मंत्री पद जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन एमएलए का पद जाएगा या नहीं ये बात अभी तक पता नहीं। आज के अखबार के पहले पेज की हेडलाइन है,
आदित्य कुट्टी के नाम से लिखा गया है, उसके मृत्यु के बारे में लिखा है। उसके बाद हमारे माननीय मिनिस्टर साहब कुरियन जी के अरेस्ट के बारे में लिखा है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बॉबी सर, कुरियन सर का मंत्री पद गया मगर अभी भी वो MLA हैं और हमारे नेता हैं। कुरियन सर ने हमेशा आपका साथ दिया, इसीलिए आप लोग कुर्सी पर बैठे हो। अगर वो एक बार कह दें तो हम सब अपना MLA पद छोड़ देंगे, फिर आपको एक MLA के साथ ही इस कुर्सी पर बैठना होगा। आप जानते हैं ना, आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए गोपाल कृष्ण, आप ही बताइए। क्या रेड मारने से पहले लोगों को इत्तला की जाती है क्या? आप चुप हो जाइए बॉबी सर, इस पद में रहने के लिए दुनियादारी का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ऐसा ओवर रिएक्ट मत करिए। आप जानते हैं ओवरनाइट सक्सेस वाले आदमी को इतने बड़े पद पर बैठाएंगे तो ऐसा होता ही रहेगा। CM, हमें नियम कायदा कानून देखकर काम नहीं करना चाहिए। राज्य में CM के होते अगर ये घटनाएं होती रहेंगी तो मेरा पूरा अनुमान है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमें जाकर के विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हम लोगों ने भी विपक्ष से लड़के यहाँ तक का सफर तय किया है, तब जाके इस कुर्सी पे बैठे हैं। जिस काम के लिए बैठे हैं वही करेंगे। बॉबी सर, राज्य को संभाल कर चलना चाहिए, एक सीनियर नेता को इज्जत देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इस बात पे आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, समझ गए? इस बात पर तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। ये कोई मैनर है क्या? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सिर्फ कुरियन ही नहीं रविंद्र, आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। MLA मिस्टर शिव कुमार, MLA जैकब सिद्दीकी, विपक्ष के नेता दीपक सोनी, उनके नाम पर भी कंप्लेंट्स हैं। अगर वो सारे के सारे लोग सच में गुनहगार हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा, और यह लिस्ट भी आगे बढ़ सकती है। चीफ सेक्रेटरी का यहां होना और सबके साथ बैठना हमें तभी समझ में आ गया। CM को एक बात ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए पार्टी बहुत जरूरी है, लेकिन आपका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है ये आप जानिए, क्योंकि पार्टी बड़ी है। हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? ₹15 लाख। मैं सिर्फ 15 लाख मेंबर्स का मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूं। तो फिर मुझे किसके पक्ष में रहना चाहिए? मैं ओवरनाइट सक्सेस करने वाला हूं, इसके लिए कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ठीक 32 साल और 7 महीने के बाद मैं ओवरनाइट सक्सेस हुआ। हमारी राज्य की परंपरा को कुछ लोग कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं सरकार में हूं मैं उन लोगों को यहां रहने की अनुमति नहीं दूंगा। CM, हम सब यहां बैठे हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो हमारे खिलाफ साइन कर सकते हैं। क्या है हिम्मत आपके पास? कलम तो उठा लिया पर साइन नहीं कर पा रहे। क्या हुआ सर?
मेरा ऑफिस सर थर्ड फ्लोर पे। हाँ सर, सर ये फाइल है सर, आगे फॉरवर्ड करो बाद में। उनके सर पे पहले जो इंजरी हुई थी उसका इससे कोई संबंध है क्या? हो सकता है, हम ऐसे ही कह सकते हैं। और वैसे भी लास्ट टाइम आई सॉ हिम हुआ क्या, फेसबुक पोस्ट करने वाले लड़के के बाप को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और चंद्रा का जो सरदर्द है वो अभी की समस्या के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। हर रोज दवाई लेने वाला अब एक दो दिन के बाद लेता है, वो भी कोई दूसरा बताए तो। ये लो चाय पी लो। दस मिनट के बाद तुम्हें सिग्नेचर की याद आई, इट्स सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना जरूरी है, बाकी सब मैं संभालूंगा। इस बीमारी का नाम क्या है? इसे कुछ भी एडवाइस दो, आज तक कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं है। हाँ एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन, तुम्हारी बात मैं जानता हूं, कॉलेज में पढ़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी, अगर मन नहीं माने तो शरीर को आराम देना चाहिए। चंद्रा हम सब मिलकर दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद को स्वस्थ रखना है ना तो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। द
दादाजी हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, हमें 8 बजे कोलम जाना है। सो गया? हाँ सो गया। भैया की खुशी के लिए हम उनसे मिलने के बाद ही जाएंगे। बॉबी भाई यहाँ आते हैं क्या दादाजी? हाँ कभी कभी आता है वो यहाँ पर। चंद्रा को वही तो हॉस्पिटल लेकर गया था, उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो कभी कभी अपनी याददाश्त खो देता है, पर उसके साथ आगे ऐसा ना हो बस यही उम्मीद करें। डॉक्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगी दादाजी, अगर उन्होंने सही समय पे शादी की होती तो उन्हें एक साथी मिल ही जाती। सही कहा ना? लेकिन अभी यह बात करने से क्या फायदा, शादी होने से सब बर्बाद हो जाता है। ये बीवी पति को ज्यादा बोझ देती है, इससे अच्छा शादी ना करे तो आदमी ज्यादा सुखी रहेगा। सर डीजीपी लाइन पे। हेलो। शाम के 7 बजे के आसपास ये घटना घटी। इस ब्रिज पर बहुत सी गाड़ियां आती जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिज टूटकर नीचे गिर गया। अभी तक कुल 12 लोग मारे गए हैं, ऐसी खबर की पुष्टि हुई है। घायल 40 लोगों में से 6 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। घटना स्थल पर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वक्त बचाव कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये ब्रिज ठीक से बनाया नहीं गया था, ये कमजोर था इसलिए गाड़ियों का वजन नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। कार्यवाही चल रही है। सर गाड़ी को साइड में लगाओ, एम्बुलेंस को आने दो। लेके जाओ। सर 12 लोग ऑन द स्पॉट मर गए हैं एंड 45 पीपल आर सीरियसली इंजर्ड और टोटल 25 से 30 लोग कैशुअल्टी में हैं, इंक्लूडिंग 2। और ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ेगी। वो लोग आ रहे हैं सर। हॉस्पिटल लेके गए हैं सर। सर आपसे मिलना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी बात है। सभी को बहुत चोट आई है सर। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है सर। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए, पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हम लोग मीटिंग रखेंगे सर, मिनिस्टर्स यहीं पर हैं। आपने एमएलए का फंड यूज नहीं किया ना बालू? नहीं सर। जाली पेपर्स और खराब मटेरियल्स? नहीं सर, सब मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट सही है सर। 7 गोनी रेत 3 गोनी सीमेंट, ये किस हिसाब से सही है सर? इस ब्रिज की रिपोर्ट मेरे पास इंटेलिजेंस के द्वारा भेजी गई थी, मुझे उसी समय कुछ करना चाहिए था। राजन आपने 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, सबूत है, साफ साफ सबूत है। बॉबी सर कोई ऐसी बात हो तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मरे हुए लोगों के नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा देना है, अब यह सब यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। राजन को एमएलए पद से इस्तीफा देना होगा। क्या हुआ सर? इंक्वायरी होने दो, उसके बाद रिजाइन की बात करेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं। अगर मैं मंत्री हूं तो आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं, सीएम का वो अधिकार है, आप क्षेत्र में हैं। एमएलए को बनाने वाले लोग हैं, उसका फैसला करने वाली मेरे क्षेत्र की जनता है जिन्होंने मुझे वोट किया है, सीएम ने नहीं। चलता हूं।
तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। थोड़ी देर वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? यह हमारे लिए बदनामी की बात है, इसीलिए ऐसा कदम उठाना होगा। यह उसी के कारण हुआ। तुम तो बहुत ही सुरक्षित और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। मैं इस पोस्ट पे हूँ इसीलिए एक बात बोलता हूँ, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए तो उसे दबाना मेरा काम है। ये गलत हुआ है। कुरियन के मामले में मैंने तुम्हारा साथ दिया। उस आदमी को और उसके एमएलए को अपने साथ लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ये तुम क्या जानो। तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए। अगर कदम पार्टी या पार्टी के खिलाफ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। सर सर सर, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा सर। अभी क्यों दे रहे हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल और द राइट टू रिकॉल। अगर राज्य के लोग संतुष्ट ना हो तो 5 साल खत्म होने से पहले भी नेता को हटाने का अधिकार उनके पास होने चाहिए। एक एक क्षेत्र के 50% या उससे ज्यादा प्रतिशत लोग अपने प्रतिनिधि के बारे में स्पीकर को बताकर इलेक्शन कमिश्नर की अनुमति से वहां फिर से इलेक्शन करवा सकता है। ठीक है सर, जो आप कह रहे हो वो सब आप सोच समझ कर कह रहे हो ना सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं कुछ बोलूं? ये हमारे राज्य में प्रैक्टिकल नहीं है सर। होगा, प्रैक्टिकल होगा। हमारे बनाए इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास करवा के राष्ट्रपति की मंजूरी से ये होगा, और जो ना माने उन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर तो ये बहुत खतरनाक बिल है, इसे पास करवाना जरूरी है सर। आई एम नॉट श्योर, वेरीफाई करके बताता हूँ सर। एक जन प्रतिनिधि के अधिकार का निर्णय हम नहीं कर सकते। पीरियड खत्म होने से पहले अगर वो पसंद नहीं है तो उन्हें हटाने का अधिकार लोगों के पास होगा, ये हम कह रहे हैं, और इसे अमल में लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं एक बात बोलूं आपसे? ठीक है, ये लोगों की पसंद की बातें हैं, लेकिन अगर रियलिटी में हम इसे लेकर गए तो ये पार्लियामेंट में कभी भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की बहुत सारी बातें इस देश में हो रही है। एक अच्छा काम करने के लिए बेइज्जती की बात कहां से आती है? यह डेमोक्रेटिक देश नहीं है? बताओ। हम सब लोग 5 साल में एक बार वोट देते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी दिन, सिर्फ उसी दिन लोग अपना फैसला सुनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के सामने वोट मांगने जाते हैं उसमें अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। वो पद पाकर अधिकार में आ जाते हैं और लोगों को उन्हें सहना पड़ता है। कई बार पार्टी देखकर लोग उन्हें वोट दे देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है। खैर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच यहां जो बातें हुई वो सारी बातें हम तक ही रहेंगी। ओके सर। सीएमजी की बात सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हो सकती है, यहां पर आई डोंट नो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सीएम साहब इस बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं। कुछ बातें तो सीएम साहब ही जानते हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। आई एम सॉरी, चलिए, टेक केयर। ओके ओके। जरा वहां ध्यान दो, मैं उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहता। जी सर। सर वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं।
मैं फोन करके आने वाला था, लेकिन आप मना करेंगे इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। इस तरह की बातें हम सोच रहे हैं ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। अभी अभी मुझे जमानत मिली है और मैं सीधा इधर ही आ गया। एक बात मैं सामने कहने के लिए आया हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, समझदार हो, लेकिन मेरे एमएलए बनने पर किसी ने ठेस पहुंचाई तो खेल बदल जाएगा। वैसे आपको किसी बात की चिंता नहीं है, यही बात मैं आपको समझाने आया हूं। वो सब तो ठीक है, आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। कुरियन गोस्ट गवर्नर के दिलवाई शपथ से ही आप मंत्री बने हैं ना? बोलिए। हाँ। तो आपको क्या लगा था कि आप 5 साल तक मंत्री पद पर रहेंगे? नहीं, इसीलिए कहता हूं कुरियन गोस्ट जाओ और अपने एमएलए को अपने साथ रखो या उन्हें बेच दो। अभी इस वक्त उन लोगों का बहुत डिमांड है और आपने बिल्कुल सही किया। मुझे इतना अनुभव नहीं है, झुकना और पैरों में गिरना मुझे नहीं आता और मैं अपने जमीर को मारकर राजनीति कर भी नहीं सकता। आप जिस वक्त चाहोगे उसी वक्त मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। कारण आपके जैसे नेता में और मुझ जैसे नेता में बहुत फर्क है। खैर 10:30 बजे मेरी मीटिंग है, आप चाय पीकर जाइएगा। मरने वाले लोगों के परिवार वाले काला झंडा दिखा रहे हैं सर, मैं इन्हें हटाता हूं सर। सर ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा? सर सर आप प्लीज अंदर बैठ जाइए सर। अरे जब मुझे डर नहीं तो आप क्यों डर रहे हैं? आइए मेरे साथ। चलो चलो, कहाँ जाना? यूनिवर्सिटी जाना जी। कंट्रोल रूम JK01S159 ऑटो में मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? आगे रोड ब्लॉक है सर, रोड सही होता है तो 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हम लोगों को आधा घंटा लगेगा। ये लोग भी क्या काम करते हैं, बहुत दुख देते हैं इंसानों को। रोड खराब हो रहा है, सरकार कुछ नहीं करती है। म्यूनिसिपैलिटी रोड डिपार्टमेंट को कितना कंप्लेन किया मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो लोग हमें ही डांटते, बोलते तुम अपना काम करो हम अपना कर देंगे। कौन? अब बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ पर इलेक्शन के समय लोग मिलने आते हैं, उसके बाद तो मुंह भी नहीं दिखाते। ये पुलिस हमारे पीछे क्यों आ रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? खैर उनका काम है। सर मैंने एक सीरियल में काम किया था, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया लगता है, इसीलिए हाय कर रहे थे। वैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? नहीं। आपकी आवाज़ कुछ पहचानी हुई लग रही है, वैसे आप करते क्या है? राजनीति में हूँ। अच्छा, मेंबर है क्या? हाँ। कौन सी जगह के? कोलम में, कड़क्कन। वहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री सर भी रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा
सर आपने कुछ गड़बड़ किया क्या? पुलिस आ रही है। नाम क्या है? बिनू। कितना हुआ? नहीं चाहिए सर। नहीं सर रख लो। हाँ मैं रोड सही करवा दूंगा। नहीं सर रोड सही है सर। सही है? कैसे इंसान हो। सारे इंसान के अंदर राष्ट्रीयता होती है। आपकी चिंता और आपकी सोच अच्छी रहेगी तभी राष्ट्र में बदलाव आएगा। एक बात ध्यान में रखें, आपके माता पिता आपको यहाँ कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और उसके बाद आप में से कोई इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस या आईटी प्रोफेशनल बनता है। मगर दिमाग और ज्ञान देता है ये कैंपस। किसी भी काम को खुशी से करने के लिए मन में लगन होना बहुत जरूरी है और आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। हमें सबकी जरूरत है। टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, साधारण कूली का काम करने वाले चाहिए, टेलरिंग वाले चाहिए, यहाँ तक कि फैक्ट्री चलाने वाले भी चाहिए। सब रहेंगे तो ही समाज समाज बनेगा, एक राष्ट्र पूर्ण होगा। डिग्निटी ऑफ लेबर्स आपने सुना होगा। हर काम की एक कीमत होती है। काम करने वाले को दिल लगाकर काम करना चाहिए। सर आप मेरे बाल काटेंगे क्या? कौन है? किसने कहा? कौन है बताओ, सामने आओ। कम ऑन, कौन है वो? किसने सवाल किया है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जिसने सवाल किया उसे आगे आना चाहिए। यह मत समझना कि नहीं आओगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। कौन है? कौन है? आप आगे आए? आगे आए आप? आगे जाइए, आगे जाइए। चलिए यहां आओ। अरे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जय मोहन। क्या? जय मोहन। हाँ जय मोहन, मैं बाल काटूंगा। समय बताना, मैं यहां आ जाऊंगा। या फिर बोलोगे तो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बताओ कहां हूं? सर मैंने अनजाने में कह दिया था, मुझसे गलती हो गई। अरे भाई मेरे पिताजी वही काम करते थे। मुझे लगता है शायद इसीलिए जयमोहन ने मुझसे यह सवाल किया। यह सही है कि मेरे पिताजी हेयर कटिंग करते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पिताजी के उसी काम के वजह से। हमारे घर में तीनों वक्त हमारे लिए चूल्हा जलता था और मेहनत करके ही पिताजी ने मुझे आज इस काबिल बनाया। उन्होंने ही मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसीलिए मैं धीरज और आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मैं किसी की भी हेयर कटिंग कर सकता हूं। पिताजी ने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में जब बुरा वक्त हो तो उसे भी खुशी से जीना चाहिए और कभी भी किसी भी रिश्ते को पैसों से नहीं जोड़ना चाहिए। ऊपर आओ, आओ। मेरे पास आओ। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं सर। उस जमाने में ब्रूसली कटिंग और स्टेप कटिंग का फैशन था, लेकिन पिताजी वो नहीं जानते थे। वो तो बस सिंपल कटिंग जानते थे और हमारा बार्बर शॉप भी था, वो घर जाकर भी काटते थे। तुम्हारे बाल काटने का समय आ गया है। चिंता मत करो, मैं काट दूंगा अच्छी तरह। जाओ। अगर राजनीति से मुझे बाहर निकाल दिया गया तो मेरे पास जीने के लिए एक रास्ता है। चाहे किसी स्कूल कॉलेज का या किसी भी तरह की पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट ना हो, फिर भी मेरे पास पिताजी का सिखाया काम है और उसी से मैं सर उठाकर समाज में जी सकता हूं। और अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे इस कॉलेज का वार्षिक एनिवर्सरी बहुत अच्छी तरह हो इसके लिए मैं उद्घाटन करता हूं। धन्यवाद। This bill is representation of the people. It's proposed to bring back to real democracy of the country. Are you presenting this bill as a private bill? Yes, sir. Sir, ये हमारे देश में नहीं चलेगा। ये बहुत ही बेकार बिल है सर। ये किसी काम का बिल नहीं है सर।
अरे तुम तो अपना काम करो। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है सर। सर वी शुड एटलीस्ट टेक दिस फॉर डिस्कशन। फिलहाल ये बिल हमारे एजेंडे में नहीं है और चर्चा की जरूरत है। अगले मुद्दे को आप जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने आपको कहा था सर। अगले सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग तक हम इंतजार करेंगे। हाँ, चंद्र आ गया। हाय मामू। अरे कौन है भाई? हाँ, ये तो मेरा भांजा है। चेक इन हो गया? हाँ हो गई है। इतने दिनों तक तुम यहां थी, मैं बहुत खुश था। लेकिन अब तुम भी रो मत और हमेशा मुझे फोन करना। तो हम चलते हैं। चलो आजा। की घड़ी जब तक पिताजी जिंदा थे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ मेरी मां ने ही किया। अब वो भी नहीं रही तो उनके लिए प्रार्थना करके कुछ दान देने से शायद उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई। उनके जिंदा रहते मैं कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनकी देखभाल करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मैं अपने कामों में बिजी था। यह बहुत बड़ी कमी है ना इब्राहिम चाचा? लेकिन ये सब तो नसीब का खेल है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी पिताजी को वक्त दे नहीं पाए, लेकिन लोगों की भलाई तो करते रहे। इसका फायदा तुम्हारे पिताजी के पास जरूर गया होगा। प्रेमा, यस मैडम, पार्किंग फुल हो गई है, गाड़ी आए तो बी3 में भेज देना। ओके मैडम। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे सर सर सर, वहां पार्किंग नहीं है सर सर। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? सर मैंने कहा था कि ये रिजर्व्ड है, लेकिन आप फोन पर बात कर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो। सर आप फोन पर बात कर रहे थे, उसमें मेरी क्या गलती है?
मेरी गाड़ी की लाइट ठीक करने के लिए तुम्हें 6 महीने की पगार देनी पड़ेगी। इस कार की वैल्यू पता है तुम्हें? कार की वैल्यू तो समझ गई, लेकिन आपको नहीं समझ पाई। सीना दास, एड्रेस देख लिया ना? ब्रूस ली कटिंग के बारे में मैं नहीं जानता। ये कैसे बाल हैं? स्प्रिंग के जैसे हैं। अरे मैंने तेल लगाने के लिए कहा था ना, नहीं लगाया क्या? हेलो। ठीक है पापा। मेरे पापा, क्या हुआ है उन्हें? कौन है तुम्हारे पापा? वो यहाँ पर। पापा, पापा क्या बात है पापा? ये चल इधर आ। सर इसके पास तो मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ बोल भी नहीं रही है ये। सर को बता दे कि वो चीज कहाँ है, बोल चल। दीदी क्या हुआ? चोरी का केस है, मैंने उस आदमी की कार से सोना चुराया है। आज मैंने पार्किंग लॉट में एक आदमी को डांटा था, उसने इल्जाम लगा दिया। मैं कितना भी कहूँ ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो ये जानती हो क्या? आप कोई भी हो, उससे मुझे क्या? कुछ बोल नहीं रही सर। अब तुम मुझे बताओ। मैंने चोरी नहीं की है सर। मुझे सुनाई नहीं दिया। सर इसने चोरी नहीं की है, दरअसल इसे फंसाया गया है सर, इसे जाने दीजिए सर प्लीज। मैंने तुमसे पूछा क्या? चलो हटो यहाँ से। एक दिन लॉकअप में रहेगी तो अहंकार टूटेगा इसका। चल। अगर आज मैं अंदर रही तो कल मुझे आप लोग मत ढूंढिएगा। पापा क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं एडवोकेट से बात करूं पापा? बोलिए ना। हाँ कर लो। चलो। चल अंदर। मेरी दीदी को ना एक फेक केस में चोरी के इल्जाम में पुलिस। हेलो 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 सर।
सर, सीएम साहब आए। रजिस्टर लेकर आइए सर। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? सीना। उसे बुलाओ। बुलाता हूं सर। लेकर सर। केस क्या है? इस लड़की के नाम पर क्या केस है? सर, चोरी का केस है सर। कैसी चोरी? सर, ये काम करने वाले पार्किंग प्लेस में एक कार से सोना चोरी करी थी सर। कंप्लेंट किसने किया? सर, सुशील नाम का एक आदमी है, वो बिजनेसमैन है सर। वो कंप्लेंट दिखाओ। रिटन कंप्लेंट नहीं दी है सर। मतलब? सर, फोन से उसने बात की थी सर। FIR कहाँ है? नहीं है सर। आपने घटना वाली जगह पर जाकर पूछताछ की? नहीं सर। इसे चेक किया? किया सर। तो? इसने गुनाह कबूल नहीं किया सर। इसे मारे? नहीं। यह घटना कब हुई? सर, अभी थोड़ी देर पहले। तो 379 का केस है? यस सर। किसी ने आपको फोन किया, उसने रिटर्न कंप्लेन भी नहीं की, घटनास्थल पर आपने पूछताछ नहीं की, FIR भी नहीं लिखी गई और कुछ मिला भी नहीं, सिर्फ किसी की बात सुनकर आपने ये एक्शन लिया। क्या है रमेश, आपके पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते? लड़की को यहां 5 बजे पुलिस स्टेशन लाने से पहले उसके घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, ये आपको नहीं पता? बताइए, क्या यह सही है? हाँ सर। सब कुछ नियम के हिसाब से ही होना चाहिए, ये आपको नहीं पता? बताइए, क्या ये केस जेन्युइन है? R. वागले, SI ऑफ पुलिस, सेंट थॉमस सर्कल इंस्पेक्टर। इन दोनों का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करो। यस सर। और इन दोनों को यहां से भेजने के बाद सर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। यस सर। और हाँ, उस कंप्लेन देने वाले की फुल डिटेल्स कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे ऑफिस के टेबल पर चाहिए। सुबह तक पहुंच जाएगी सर। यहां क्यों हो? सर, बाहर आओ। क्या हुआ? सर आओ। वो अब बताओ। सर, अगर आज आप नहीं आते ना तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते सर। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद देने की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छी तरह अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? ऐसा नहीं है सर, मेरे कहने पर आप यहाँ हैं, आपने हम पर रहम किया है सर, आपका एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा सर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ।
सर। सीएम ऑफिस से कांटेक्ट करो। ये बिल प्रॉब्लम में है, इसके बारे में चर्चा किया मुख्यमंत्री ने। कड़कल चंद्र जी की बातें, उनके आइडियाज राज्य के नेता और जनता सुन रहे हैं। बाकी की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। केरला सरकार की राजनीति के इतिहास में आप ये पहली बार कर रहे हैं, ये पास होगा या नहीं बताइए सर। सब बताऊंगा, आप इंतजार कीजिए। हेलो सर। सर इसमें मुझे सब हेजिटेट लग रहा है सर। सीएम की बातें सबको बाहर पता चल चुकी हैं सर। क्या आप नहीं जानते कि रहस्य की बातें हमेशा सिर्फ अपनों के बीच में ही रहनी चाहिए? उस दिन तो हम तीन लोग ही थे ना। हाँ बॉबी नहीं आया। अचानक मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया। सीएम को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बातें आपको बताएंगे वो आपको सुनना होगा। अभी हम मौत के सामने रहते हैं जैसे रूलिंग पार्टी के अंदर हैं। हम या आप इस बिल को असेंबली में पुट किए तो वो पास होना चाहिए, नहीं तो हमें अगले इलेक्शन में बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। सर आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे सीएम बिल पुट करने जा रहे हैं तो जरूर पास होगा। सर आप इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं, इसे सभा में जाने दीजिए तब देखेंगे। अगर सीएम कॉन्फिडेंट हैं तो बिल सबमिट करने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? ये कैसे हो सकता है, हम सबको मिलकर इसे पास करवाना होगा। सीएम साहब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचना। इस बिल के खिलाफ सब लोगों की तरह मैं भी हूँ। ये जो कह रहे हैं सही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन चोरों के बीच एक सत्यवान है ऐसा मत सोचिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर सीएम इस बिल को पास क्यों करवाना चाहते हैं। सुनिए राजन सर, इस बिल को पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन आप तो सीएम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हम मानते हैं हमारी पार्टी में रहने वाला हर एमपी पार्लियामेंट में जाता है, ये आप नहीं जानती। आपने इस पार्टी की मीटिंग रखी या नहीं रखी, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा पार्टी का अध्यक्ष होता है, इन्हें आपने नहीं बताया। सीएम साहब इस बिल को असेंबली में सबमिट नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजन क्या आप चोर हो? स्वामेंद्रन प्लीज बैठ जाइए। अगर आप लोगों ने कोई चोरी नहीं की तो फिर बिल पास करवाने से डर क्यों रहे हैं? मैं आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तब सिर्फ 5 साल नहीं 50 साल तक पद पर रहेंगे। लोग आप पर विश्वास करें, प्यार करें और साथ दें तो यह संभव है। सिर्फ यहां ही नहीं, दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक सरकार मेरी बात से सहमत होगी। यह बिल मैं सभा में सबमिट करूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। एक मुख्यमंत्री का लोगों में विश्वास जताना बहुत जरूरी है। बॉबी सर बिल पास होगा या फेल होगा चाहे कुछ भी हो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा आप करेंगे तो हम साथ नहीं देंगे। हाँ, योग्यता वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सुनो मिनिस्टर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, अगर 5-6 लोग चाहे तो वो इस पद पर भी नहीं रह सकते,
हम पार्टी के नेता ही मुख्यमंत्री को चुनते हैं, समझ गए? बाबी सर, इस कार्यकाल के 2 साल अभी बाकी हैं। 1 साल के बाद सर अध्यक्ष और मैं सीएम कैसा रहेगा? पार्टी का फैसला है, मैं ये मानता हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर, योग्यता वाले ही इस पद पर रहने चाहिए। सर सीएम, मैं अध्यक्ष, 2 साल अभी बाकी हैं। 1 साल के बाद सर अध्यक्ष और मैं सीएम कैसा रहेगा? हमें साथ रहते हुए बहुत दिन हो गए, पार्टी का मेंबरशिप लिए हुए 33 साल गुजर गए। हमारी दोस्ती में विश्वास करना तुमने मुझे सिखाया, अभी भी मुझे याद है उस दिन से लेकर अब तक। मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी ही है, बस उसी कारण से मैं आज इस जगह पे हूं। कुछ देर पहले सबके सामने मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पार्टी में मेरी वैल्यू घट जाती। तुम जो बिल लेके आ रहे हो उसका महत्व क्या है मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुम इसे पास नहीं करा पाओगे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। हमारा राजनीति और राजनीति के बाहर भी एक रिश्ता है, कम से कम मेरी तो यही सोच है, लेकिन तुम मुझ पे कितना विश्वास करते हो ये मुझे समझ में आ गया है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है, विश्वास करो मेरा। बॉबी, अगर तुमने मुझे ये सब पहले बताया होता तो आज तुम मेरे साथ नहीं रहते। सच सच बताओ क्या बात है? अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता तो तुम्हारा साथ देने वाला पहला आदमी मैं होता, चाहे उसकी कोई भी कीमत होती। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। लोग कहते हैं कि जो मेरे जीजा जी गल्फ में रहते हैं ना, उन्होंने ये मुझे दिया है, लेकिन इसे बनवाया मैंने है। अच्छा अच्छा। सीएम ने बिल पास करवाने के लिए सबमिट कर दिया है, बहुत हिम्मत की है। असेंबली में भी पास होना चाहिए ना। अब इस मुद्दे पर आते हैं, गवर्नमेंट खासकर खुद सीएम ने बिल को सबमिट किया है तो बिल तो पास होगा, लेकिन सरकार के विश्वास के खिलाफ होगा साधारणतया। अगर सीधी बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सोगन, तुम ये क्या कह रहे हो? अविश्वास प्रस्ताव, सीएम और गवर्नमेंट की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, जरूर लाएंगे। अगर बिल पास हुआ तो अगले ही दिन स्पीकर से मिलकर उन्हें नोटिस दूंगा, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन उसे रोकने के लिए और जीतने के लिए, उस चंद्रा को बिल सबमिट करने से लेकर बहस करने तक हम उसे पानी पिला देंगे, और वो ये सब समझता है, और ये सब उसी दिन खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखें और मेरा साथ दें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी मुझे भी हिम्मत मिलेगी। दिनेश, सीएम ने इस बिल के बारे में चर्चा की थी इस दिनेश के साथ, ये मेरा ओपन ऑफर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले शख्स को हम बहुत आराम से मंत्री पद दे देंगे। बोलो। वो बिल मैंने पार्लियामेंट में सबमिट किया है,
ये सोच के कि वो वहां पर पास हो जाएगा। लेकिन सीएम के मन में बहुत नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस बिल को केंद्र में पास होना ही चाहिए, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है। कुछ भी करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ये तो मानना पड़ेगा। इलेक्शन आएगा, जीतेंगे। कुरियन आप भी जीतेंगे, आप कुछ दिन अंदर थे ना। राजन तुम भी, ओ और दिनेश तुम भी, अभी हम सब साथ हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। तो फिर सीएम कौन बनेगा? दयानंद सर। ये धर्म प्रधान देश है, राष्ट्र में हमें राष्ट्र की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन ये राजनीति एक व्यवसाय है और इस व्यवसाय में मुझे भी फायदा होना चाहिए, आपको भी फायदा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। मानेंगे सर। बस आपको मानना है। तो हम मानेंगे सर। ये जान के मुझे बहुत खुशी मिली। हम भी मानेंगे। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। ठीक है चलते हैं। दयानंद, सीएम ने बिल सबमिट कर दिया है, हम ही उनकी खिलाफत करेंगे, इस बात को याद रखना। हाँ, और एक बात, ये कुरियन के बारे में हम लोग जानते हैं, मौका देखकर वो बदलने की कोशिश जरूर करेगा। अधिकार ना रहे तो इस राज्य में उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमें अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे कमजोर इंसानों को अपने साथ रखना जरूरी है। So you propose to present the bill on 24th? Yes, Your Excellency. But why in the old assembly hall? It was there. I stepped for the first time in an assembly. It was there where so many historical bills were presented. That is my sentiment. Oh, nice. I appreciate your effort. Thank you. And your good intentions. You know, there are so many ifs and buts in this. Yes, Your Excellency. I am aware of it, but still, I want to try once. Okay. All the best. Wish you all the best. Thank you, Excellency. अपनी पार्टी और विपक्ष के खिलाफ जाकर इस बिल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री करकन चंद्रा। वो मानते हैं कि इस बिल से लोगों का भला होगा। देखते हैं लोगों की क्या राय है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहाँ खुद फैसला ले सकते हैं। अगर फैसला गलत हो गया तो दोबारा चांस नहीं मिल पाएगा हमें। अगर कोई चोर मंत्री हो तो उसे सुधारने के लिए ये नियम बिल्कुल ही सही है। दो साल पहले देखते हैं, ठीक नहीं लगा तो फिर नीचे उतार देंगे, और क्या करेंगे। देखते हैं दो साल में क्या करते हैं, सब पता चल जाएगा। जो हम नहीं जानते उसके बारे में हम क्या कहें, बताइए। इससे कोई फायदा अगर नहीं है। हमारा डिसीजन गलत है तो फिर हमें ही देखना होगा, फिर हम उसे सुधारेंगे या फिर बदलेंगे, पर उन्हें मौका तो मिलना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि उन्हें सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ये होने वाली बात नहीं है। बुरा है तो बदल दो। ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई आए या जाए, हमारी जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कोई चोर मंत्री है तो उसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। बस आम लोगों को मदद मिलनी चाहिए, ये बिल पास हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ही हो रही है। आई एग्री, पॉजिटिव नेगेटिव सब सोचे तो ही ये बिल पास हो सकता है, ये हमारा कहना है। जो भी अच्छा काम करेगा हम उनके साथ। मैं तो इसका सपोर्ट करता हूं। चोरी नहीं होगा, ये बिल जरूर पास होगा। बिल पास होगा, पक्का पास होगा। हेलो, निकले क्या? नहीं बस निकलने ही वाला हूँ। अभी मौसम अच्छा है, बारिश आने वाली है, मैं यही हूँ, तुम जाके आओ। इब्राहिम चाचा, आओ आप भी मेरे साथ बैठो, आओ। खाइए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनो भाई। सर चलो। गुड मॉर्निंग सर। लेट्स दिस बी अ मेमोरेबल डे सर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। माननीय सम्मानित सभा के अध्यक्ष पधार रहे हैं। द राइट टू रिकॉल। जनताओं के लिए प्रतिनिधि को अगर पसंद नहीं है तो 5 साल पूरा होने से पहले उनको उस स्थान से हटाने के लिए लोगों को अधिकार देने वाला बिल है। ये बिल सभी के सामने सभा में सबमिट हुआ, उसे लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम बिल पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, सरकार को सिर्फ एक संस्था ही नहीं मानना चाहिए। लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था और अस्तित्व और पवित्र संस्था ही है। सरकार को लोग ही चुनते हैं, इसीलिए मुझे और ये सारे सदस्य जो जीत कर कितने साल तक पद पर बने रहेंगे इसका फैसला जनता करेगी। पिछले दिनों ही इस बिल की कॉपी मैंने हर सदस्यों के पास भेजी है। अब सब लोग मिलकर इस बिल को पास करवाएं और केरला में इस कानून को लागू किया जाए, ऐसा मैं सबसे विनती करता हूँ। सर, वोट करवाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। हमारी पार्टी इस राज्य को चलाती है और विपक्षी पार्टी के नेतागण यहाँ पर हैं, ये बात हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ही अच्छा है। हम सबको मिलकर इसे पास करवाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना। सर, कोई भी दूसरी संस्था या दूसरी गवर्नमेंट ने ऐसा बिल कभी सबमिट नहीं किया है, लेकिन हम किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। सर, मेहरबानी करके वोट करवाने की अनुमति दीजिए। इस बिल के लिए हमने वोटिंग करवाने का फैसला किया है। यस बॉय, रिंग द बेल। चौदह लोगों ने बिल को लागू करने के लिए सपोर्ट किया हुआ है, एक निष्पक्ष वोट किया है, और बिल के खिलाफ वोट किया है 125 लोगों ने। ये बिल अब रिजेक्ट किया जाता है।
सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। सब अपनी अपनी जगह पर बैठिए। साइलेंस, साइलेंस हो जाइए। सब अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। साइलेंस सर, लोगों द्वारा चुने गए इन सदस्यों को लोगों के द्वारा ही बाहर करवाएंगे, ये बहुत ही नीच हरकत है सर। ये बर्दाश्त नहीं होगी। इस स्टेज पे राजनीति करने वाले नहीं है। चोरों और डकैतों को इन्होंने ये यकीन दिलवाया है कि ये खुद का पद बचाने के लिए इस सभा में सबसे माननीय सीएम ऐसा बिल लेकर आए हैं। अच्छा, लेकिन अब इसी वक्त सीएम को पद से इस्तीफा देना होगा। सर, लोगों के द्वारा चुने गए इन सदस्यों को लोगों के द्वारा ही बाहर करवाएंगे, ये बहुत ही नीच हरकत है सर। ये यहीं पर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इस्तीफा सर, ये लोग फंस चुके हैं। इन्हें हमारे सीएम से इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात साफ है कि ये बिल पूरी तरह से गलत है और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हर साल बाय इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं और इससे राज्य का खजाना भी खाली हो जाएगा। सर, इस संस्था में राजनीति करने वालों के लिए कलंक होगा। सर, आपने देखा कि सीएम की खुद की पार्टी से उन्हें सिर्फ 14 लोगों ने ही वोट दिए हैं। ये सभा, ये गवर्नमेंट और इस राज्य की जनता को बहुत ही बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी है सर। इस्तीफा दो। ये कैसी विडंबना है सर, देखिए अभी भी बेशर्मी से उस कुर्सी पर चिपके हुए हैं। सीएम को इस्तीफा देना होगा। आश्चर्य होता है सर, इस बिल को पास करवाने गया तो दो जगह फेल हुआ। यह शायद पास नहीं होगा यह जानते हुए भी मैंने इसे यहां पेश किया और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसका अंजाम क्या होगा। सर, यह बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। सर, यह बिल पास करवाने के चक्कर में हार कर अब यह नाटक कर रहे हैं। साइलेंस, आप लोग शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर यह बिल यहां पर प्रॉब्लम है तो हमारे स्टेट में जितने एमएलए हैं वो कब तक पद पर रहेंगे, ये बात वो दावे के साथ कह सकते हैं क्या? मैं जानता था कि सिर्फ 14 सदस्य मेरा साथ देंगे। ये देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया सर्वे। कॉलेज स्टूडेंट्स लोगों पर भरोसा करने वाले एमएलए की गिनती सिर्फ 14 और ये भी 14 ही है। इन लोगों ने ही इस बिल को पास करवाने के लिए वोट दिया। मैं सभापति के सामने कह रहा हूं कि केरला में 140 एमएलए में से लोगों का विश्वास जीतने वाले सिर्फ 14 एमएलए ही हैं। सर, आप इस सभा का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हमने अब तक ऐसा सर्वे कभी नहीं देखा, वो भी कॉलेज स्टूडेंट का सर्वे। इसी क्या जरूरत थी? सर, थोड़ी देर पहले विपक्ष के नेता ने कहा था कि अगर ये बिल पास होगा तो हर साल इलेक्शन करवाना पड़ेगा और खजाना भी खाली होगा और इसीलिए विपक्ष के नेता लोग इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि इस बिल से उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो जनप्रतिनिधि आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और अपनी जगह सुरक्षित करेंगे और जनता में विश्वास जताएंगे ताकि वह पद पर रह सके। फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी और ना ही खजाना खाली होगा। लोग अपने पसंद के नेता को उनके काम के हिसाब से उनके पद पर रहने देंगे। सर, मैं इस राज्य का अकेला नेता नहीं हूं और ना ही मैं सिर्फ यहां अपना नाम चमकाने आया हूं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। हम इस मंदिर की सीढ़ी पर कैसे चढ़े? हर नेता अपना अपना नाम कमाकर इस मंदिर में कैसे पहुंचे, इसके बारे में किसी ने सोचा है? हमें वोट देने वाले लोगों की वजह से, उन लोगों ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इंसान को अगर उनका अधिकार ना मिले तो वह इंसान गुलाम बन सकता है और यही सच है। आपको सिर्फ मेरी एक साइन चाहिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने यह सब इस काम के लिए किया।
मैं अपने मन के हिसाब से सब अच्छा करना चाहता था, मगर चाहते हुए भी कर नहीं पाया। यहाँ ऊपर बैठे हुए लोगों ने ही हमें वोट दिया, जिसके कारण हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं। सर, लोगों के वोट की बदौलत ही हम सब लोग यहाँ इस सभा में हैं। इसीलिए इस सभा के नियम के अनुसार हम लोगों को उन्हें यहाँ आने से रोकने का अधिकार है और ये हमेशा रहेगा। तो हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं और अब उन्हें हरा कर हम लोग यहाँ जीत कर आए हैं, फिर भी उस बिल के बारे में मुख्यमंत्री बार बार क्यों कह रहे हैं? सर, ये सब गैलरी में बैठे लोगों का खेल है, ये ऐसा कहे जा रहे हैं। सर, लगता है माननीय विपक्ष के नेता ये नहीं जानते हैं कि साधारण लोगों को उनका अधिकार देने के लिए ये बिल बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज हमें इस जगह पर पहुंचाने वाले, वहां देखिए वो गैलरी के लोग ही हैं और हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। सर, आप खुद देखिए कि सीएम साहब क्या बोल रहे हैं। ये कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां दो टीमें आपस में मैच खेल रही हो। जनता के डेमोक्रेसी की ये पवित्र जगह है। बताइए, कहां है डेमोक्रेसी? वहां बैठे हुए लोगों को कोई भी बात कहने का अधिकार है क्या? यहां पर खड़े होने का अधिकार है क्या उन्हें? हमें वोट देकर यहां भेजने वालों को आप कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, लेकिन वो चुपचाप हाथ बांधकर खड़े ही रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। सर, ये असेंबली है, यहाँ के कुछ कायदे कानून और नियम हैं। सर, हमें आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हमें यहाँ तक लाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जिनके कारण हम और आप यहाँ हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हम जो गाड़ी चलाते हैं, हमारे घर की टीवी, फ्रिज, एसी और यहाँ तक कि कपड़े भी इन्हीं लोगों की वजह से हैं। उन्हीं के कारण हमारे पास सब कुछ है। हमें देखकर उन्हें नहीं, बल्कि उन्हें देखकर हमें खड़े होना चाहिए। लोगों को दबाने के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के लिए ही डेमोक्रेसी है। यहां बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इस्तीफा चाहते हैं। उन्हें बैठक करने की जरूरत नहीं है। वोट नहीं मिलेगा और मैं हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा मैंने राज्य के गवर्नर को बता दिया है और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी बता दिया है। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। मैं यहां पर आप सबके सामने सीएम बनकर नहीं खड़ा हूं, यहां पर बदलाव की शुरुआत करने के लिए एक साधारण जनप्रतिनिधि बनकर हूं। मैंने तो बस शुरू कर दिया, अब मेरे बाद आने वाले पांचवें, सातवें या दसवें मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस नए कानून को जरूर बनाए। अब इसी विश्वास के साथ मैं यहां से जा रहा हूं, खुशी और आत्मविश्वास के साथ। कई बार कुछ पराजय कुछ जीत से भी ज्यादा महत्व रखती है और इस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं तो सिर्फ यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरे घर का दरवाजा हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूं जो सरकार में रहते हुए मुझे मिला है, मैं तो उस घर की बात कर रहा हूं जो मेरे पिताजी ने दिया है, वही मेरा खुद का घर है और मैं वहां आप सबका इंतजार करूंगा। वहां मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं। हमारे कुछ नेता लोग ऐसा मानते हैं कि लोगों पर हावी होना, उन पर हुक्म चलाना ही उनका हथियार है, लेकिन यह सही नहीं है। अगर राजनीति करने वाले लोगों के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हमारा देश एक खुशहाल देश हो। Oh,
ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राइट टू रिकॉल बिल विधानसभा में रिजेक्ट हो गया है। सबके सामने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। सबके सामने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। संभल के मम्मी, ये राइट टू रिकॉल क्या होता है? पापा का फोन है। हाँ बोलिए, छुट्टी कब मिलेगी? दादाजी आप ही समझाइए ना मुझे। ये अपने मामा सनल से ही पूछो, वो मुझसे भी अच्छा समझाएगा। इसकी शुरुआत की थी उस समय जो मुख्यमंत्री थे। उस मुख्यमंत्री का नाम क्या था? अभी जो है उनका नाम क्या है? आखिर हमने कर दिखाया जिसका वादा किया था। आज से यहां के राजा आप लोग हैं और हम सेवक। ये बदलाव की तालियां हैं और अब इस नियम कानून को हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। अब यहां कोई अधिकारी नहीं है, कोई नेता नहीं है, सिर्फ आप ही वो नंबर 1।